कॉलेज में, जिस विद्यालय की प्रबंध समिति में भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद, पूर्व सांसद हैं और जिसके जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं, वहाँ पर नियुक्तियाँ की गई थी फर्जीवाड़ा करके, जिसका तत्कालीन डीएम जो पहले अनुराग यादव जी थे, पीसी यादव बिहार से, उन्होंने कैंसिल किया था। उन नियुक्तियों में एक तिहाई लोग नहीं आते, ये हमारी सूचना, और उनके सिग्नेचर फर्जीवाड़ा करता है एक वहाँ का चतुर श्रेणी कर्मचारी, आपकी क्या मांगे हैं, वेतन निकल रहा है, आपकी मांगे क्या। तो हमने डॉक्टर दिनेश शर्मा जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनको ज्ञापन भेजकर इसकी उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही कालीचरण इंटर कॉलेज के साथ यशोदा रसोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज, गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज, खुलकुन जी गर्ल्स इंटर कॉलेज में भी अनियमित तरीके से नियुक्तियाँ की गई हैं। इन चारों विद्यालयों में हम कार्रवाई की मांग करते हैं। 16 जनवरी को हम जिला शिक्षा भवन में संयुक्त शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेंगे संघर्ष के पहले चरण में, और 16 तारीख को संघर्ष का अगला चरण घोषित करेंगे। ये टंडन को आपने लिखा है या ये तो डीएम साहब, तो जो ये ट्रस्ट बना हुआ, इसके तो पता टंडन जी से संबंधित अपनी जात विशेष को संरक्षित किया इसमें खत्री बंधुओं को, मेरा ये जो आप लिख रहे हो कि इसमें मेंबर है, मेंबर तो कई होंगे भाई, ऐसा तो नहीं कि कपूर टंडन खत्री में हमारा कहना है कि एक सांसद है भाजपा के, पूर्व सांसद और विद्यालय के, हमने केवल इसलिए अध्यक्ष का इसलिए दिया है कि वही अनुराग यादव थी जिन्होंने इंटरव्यू नहीं होने दिए, उन्होंने रोका, इंटरव्यू हो गए, फर्जीवाड़ा हो रहा, ये हमारे जो वर्तमान जिला के ये नहीं देखते सब संज्ञान में, इनके अगर संज्ञान में होता तो एक संज्ञान और देते, इसी बस का पान वाली गली के बाहर एक बहुत